मैं शिवनेरी किला बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वही किला हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की किलकारी गूंजी थी। मैं वही किला हूँ जिसे शिवाजी महाराज का बचपन देखने का सौभाग्य मिला। मैं वही किला हूँ जिसकी गोद में शिवाजी महाराज खेले। ये वही जगह है जहाँ उन्होंने अटखेलियाँ की और यहाँ पर शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया। शाहजी राज आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान के सेना में सेनापति थे। सतत युद्ध की वजह से शाहजी राजे अपनी पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, जो उस समय गर्भवती थी। तो उन्होंने सोचा कि उनके लिए शिवनेरी किला यानी कि मैं सबसे अच्छी जगह होंगी। मैं संरक्षित और दृढ़ता से निर्मित गढ़ के साथ एकदम सही जगह हूँ। मेरे भीतर प्रवेश करने से पहले 7 दरवाजों को पार करना होता है। मेरी सीमा की दीवार दुश्मनों से किले की रक्षा के लिए बेहद ऊंची थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को किले में हुआ और उन्होंने यहाँ अपना बचपन बिताया था। मेरे यही उन्होंने महान राजा के गुणों और साम्राज्य का निर्माण करने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ सीखी। वह अपनी माता जीजाबाई की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति में शिवनेरी पवित्र स्थान बन गया, लेकिन शिवाजी महाराज को मुझे छोड़ना पड़ा और मैं 1637 में मुगलों के हाथों में चला गया। जिस पहाड़ी पर मैं बनाया गया हूँ बहुत बड़ी खाड़ी द्वारा संरक्षित है और यही कारण है कि यह एक किला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। मेरे यहाँ 64 गुफाएं और 8 शिलालेख पाए जाते हैं। मुझ पर बहुत से शासकों ने शासन किया था, जैसे शिलाहारों, सातवाहन, बहामनियों, यादवों और मुगल साम्राज्य। 1599 ईस्वी में शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजा को किला दे दिया गया। जब आप मेरे भ्रमण पर यहाँ आए या मुझे घूमने का आपका मन हो तो बादामी तालाब के दक्षिण में युवा शिवाजी महाराज और उनकी माँ जीजाबाई की मूर्तियाँ देख सकते हैं। यह किले के केंद्र में एक पानी का तालाब है और किले में पानी के 2 झरने हैं, उन्हें गंगा जमुना कहा जाता है और इन झरनों का पानी पीने योग्य है। शिवनेरी में बहुत सारे मूल्यवान स्थानों को देखा जा सकता है। शिवनेरी में कुल 7 द्वार हैं: महादरवाजा, पीर दरवाजा, फाटक दरवाजा, हाटी दरवाजा, परगंजना दरवाजा, कुलबख्त दरवाजा और सिपाही दरवाजा। मेरे किले की यात्रा के दौरान जब पर्यटक 6 दरवाजों से होते हुए सिपाही नामक 5वें दरवाजे को पार करने के बाद यहाँ के मुख्य सड़क से बाईं ओर जाते हुए देवी शिवाई के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। इस मंदिर के पीछे की चट्टान में 6 से 7 आकर्षित गुफाएं बनी हुई हैं। मंदिर में देवी शिवाई की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उन्हीं के नाम से शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया। शिवनेरी किले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के बाद अंबर खाना को देखा जा सकता है, जो कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसका उपयोग खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता था। किले की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अंबर खाने को देखना भी पसंद करते हैं। शिवनेरी किले के मध्य में एक तालाब या एक कुंड बना है, जिसमें गंगा और यमुना नामक झरनों से 12 मासी पानी बहता रहता है, जो कि शिवनेरी किले के अंदर आकर्षित दृश्य को प्रस्तुत करता है। शिवकुंज शिवनेरी किले में स्थित शिवाजी महाराज का सुंदर स्मारक है। इस खूबसूरत संरचना की नींव महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री श्री यशवंत राव चौहान के द्वारा रखी गई थी और उद्घाटन भी उन्हीं के शुभ हाथों से हुआ। मुगल काल की एक मस्जिद भी किले पर मौजूद है। शिवनेरी किले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल पार्वती हिल पुणे शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो प्राचीन मंदिर का घर है। यहाँ के 4 मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और कार्तिकेय को समर्पित हैं, जो कि 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती हिल चोटी से कई शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। पहाड़ी पर बने हुए पार्वती संग्रहालय में आप कई पुरानी पांडुलिपियों, तलवारों, बंदूकों, सिक्कों और चित्रों के संग्रह को देख सकते हैं। इस संग्रहालय में पेशवा के शासकों के
चित्र भी देखे जा सकते हैं। मेरे यहाँ के स्थानीय भोजन की बात करें तो यहाँ कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। यहाँ आप स्थानीय रेस्टोरेंट के अलावा शहर की गलियों और सड़कों पर मिलने वाले भेलपूड़ी, वड़ा पाव, मिसल पाव, पोहा व पाव भाजी, पिथला बकरी, दाबेली और पूरन पोली का मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्थानीय व्यंजन में पोड़े के स्वादिष्ट खाने की महक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं शिवनेरी किले तक कैसे पहुँचे। किले का निकटतम शहर जुन्नार है और यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। किले से जुन्नार शहर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है और यह शहर पुणे से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवनेरी किले से 90 किलोमीटर दूर पुणे शहर में कई रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन, पिंपरी रेलवे स्टेशन, चिंचवाड़ रेलवे स्टेशन और पुणे जंक्शन सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पुणे शहर और शिवनेरी किले का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जहाँ से किले तक पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी यानी शिवनेरी किले की कहानी, जो शिवाजी महाराज की जन्मस्थली भी है। वीडियो कैसा लगा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शिवाजी महाराज के सम्मान में कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।